ये इन्हीं लोगों का, मैं कहूंगी कि जो मंडी की जनता है, ये इन्हीं लोगों का प्यार है, विश्वास है मेरे प्रति, जो है उनकी भावनाएं हैं और उम्मीदें हैं जो मुझे यहाँ खींच कर लाई हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये जो है, ये दौर जब इतिहास दोहराया जाएगा तो शायद एक स्वर्णिम काल जो है जिसे कहा जाएगा। महिलाएं जो है हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं, और मंडी दुर्भाग्यवश जहां जो बेटियों की भ्रूण हत्या का काफी रेट कुछ साल पहले, दशक पहले जो है काफी ज्यादा था, आज उसी मंडी से जो है न जाने कितनी बेटियां जो है, चाहे वो डिफेंस में जा रही हों, चाहे वो और शिक्षा क्षेत्र में या पॉलिटिक्स में, न जाने कितनी क्षेत्रों में जो है बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो अवश्य ही बेटियों का पैदा होना अब भारतवर्ष में एक दुर्भाग्य ना मानकर एक सौभाग्य की बात मानी जाती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि गोद लेने में भी जो है बेटियों को ही प्राथमिकता मिल रही है, लोग बेटियों को ही गोद लेना चाह रहे हैं। एक नारी शक्ति की बात करें और दूसरी तरफ कांग्रेस जो सुखी भी आप एक अपन दिभाषा का यूज करते हैं, कंगना मतलब अंगना में ऐसी बात उस पर आप कहते हैं। कांग्रेस की जो है देशद्रोही मानसिकता जो है वो एक पूरे देश के लिए जो है वो एक चिंता का विषय थी। अवश्य ही उससे जो है लड़ने के लिए देशद्रोही मानसिकता महिलाओं के प्रति जो उनकी नीच सोच है वो उससे लड़ने के लिए ही तो आपने देखा है जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का स्तर पर जो जो विकास हुआ है और जन्म हुआ है 2014 में। मैं हमेशा कहती हूँ कीचड़ में एक कमल खिला है।